प्रदेश में आए, आज दूसरा दिन यहाँ पे भाई साहब के आप आए कटनी में वहाँ पे मीटिंग है अभी शिवराज जबलपुर और मुद्दा हमारा ये है कि अभी जो लेटेस्ट जो इशू आ रहा है जो दिल्ली में धरना चल रहा है वो चल रहा है 3 बिल वापसी हो और MSP पे कानून बने। सरकार ये कह रही कि MSP थी है रहेगी तो उसका 10 दिन में पता चल जाएगा। तो सभी किसानों से ये है यहाँ के ये अपने गांव को ही अपने जिले हेडक्वार्टर को दिल्ली का धरना मानने अपना गेहूँ जो चना लेकर अगर मंडी पे MSP उसको नहीं मिल रही तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जाए SDM के यहाँ पर जाए और जाने के बाद में उसकी खरीद करवावे तो पता चल जाएगा सबके सामने और अपने गांव और अपने जिले को ही दिल्ली मान ले। जब तक कानून नहीं बनेगा इस पर तो देश के किसानों को लाभ नहीं होगा। 3 बिल वापसी नहीं होंगे तो देश के किसानों को लाभ नहीं होगा। और भी बहुत सवाल हैं वो कमेटी बन जाएगी उस पर बैठ कर बातचीत हो जाएगी। अभी सरकार मिल नहीं रही, सरकार दिल्ली में नहीं है, 100 दिन के आसपास हो गए, 5 लाख से ज़्यादा लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है, दिल्ली में सरकार गायब होगी और किसी पार्टी की सरकार नहीं है। अब सरकार को बड़ी कंपनियां चला रही है तो उनके इशारे पर सरकार काम कर रही है। यह कि लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है और ये लड़ाई कितने दिन चलेगी, अभी किसान को देश में आज़ादी कब मिलेगी ये आने वाला टाइम बताऊंगा। अभी पूर्ण रूप से देश का किसान दिल्ली के आंदोलन के साथ किसान 100 दिन के किसान आंदोलन के बावजूद सरकार की कानों पे जू नहीं रेंग रही है और किसानों की सुन नहीं रही है, ऐसे में क्या किसान मोर्चा जो है वो आने वाले लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरेगा, उनका मुकाबला करेगा या अपने प्रतिनिधि जो है? नहीं, हम चुनाव से बहुत दूर हैं, ना चुनाव से इस देश का भला होने वाला है, पॉलिटिकल पार्टी से इस देश का भला नहीं होने वाला, ठीक है। देश में आंदोलन होगा तो ये देश का किसान बचेगा, आंदोलन नहीं होगा तो देश का किसान, नौजवान, विभाग, LIC, टेलीफोन, रेलवे, एयरपोर्ट, देश का कर्मचारी बर्बाद होगा, देश बर्बाद होगा, किसान बर्बाद होगा, देश में बेरोजगारी फैलेगी, जमीनें जाएंगी, तो बहुत बुरे हालात देश के होने वाले हैं। देश में कंपनियों का राज होगा, किसी पार्टी का राज नहीं होगा, देश में कंपनी का राज आने वाला है। आपने कहा कि किसान मोर्चा चुनाव नहीं लड़ेगा, मान लीजिए आपके जन जागरूकता अभियान के तहत भाजपा की सरकार पद्म मुक्त भी हो जाती है, दूसरी सरकार आती है तो इस बात की क्या गारंटी कि वो किसानों की सुनेगी? और ये आंदोलन कहीं के लिए है, वह नहीं सुनेगी, उसके खिलाफ भी रहेगा। ये व्यवस्था क्या हो उस पर काम करेगा। आज सब विचारधारा के लोग हमारे साथ में है, ऐसा नहीं है कि जिसने BJP को वोट नहीं दी वो भी है, हमारे साथ में सब पार्टी के लोग ही हैं। और देश में क्या होना चाहिए, एक नई विचारधारा देश में जन्म लेगी, उसी विचारधारा पर काम करना है, जो गरीब की भी सुने, गांव की भी सुने, किसान की भी सुने, मजदूर की भी सुने और रोटी बाजार की वस्तु ना बने, दुनिया में भूख पे व्यापार ना हो, एक नया कॉन्सेप्ट आया है उस पर हम काम करेंगे और वो आंदोलन से ही बच सकता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से वो नहीं बचेगा। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है आप क्या कि TMC से साठ गांठ है आपकी और आप कहते हैं कि MP से संगठन से ना, हमारा तो इससे कोई साठ गांठ भारतीय जनता पार्टी की, और वे तो कहेंगे वो क्या भारतीय जनता पार्टी कोई किसान यूनियन की एडवाइजर बॉडी की मेंबर है क्या? वो TMC के सांसद कलकत्ता गए थे, जब आप कोलकाता पहुंचे थे TMC के एक पदाधिकारी ने आपका स्वागत किया और स्वागत करा भाई, हमारे तो BJP वाले भी स्वागत करे, वे भी कर लेते, वे क्यों नहीं आए थे? अरे हम उनको तलाश करते हुए कलकत्ते तक आ गए, हम दिल्ली में उन्हीं से तो बात करते हैं। आपकी कोई राजनीतिक ना, हमारा कोई राजनीति बहुत बड़ी बीमारी है, ऐसा दूर रहना चाहिए। अभी आप शिवरा जा रहे हैं, शिवरा में आपके पहुंचने के पहले वहां भाजपाइयों द्वारा ऐसी खबर है
वहाँ पे तोड़फोड़ की गई है, वहाँ के बैनर पोस्टर तहस नहस कर दिए गए। हम क्या कोई है, हम तो बिना पोस्टर के चला लेना, चला कर दे तोड़ फोड़ कर ले दो ना। किसान आप क्या मानते हैं, सरकार है या कारपोरेट कंपनी है? कंपनी सरकार होती, किसी पार्टी की सरकार होती तो अब तक बातचीत हो जाती। किसान आंदोलन के पूर्व देश ने अन्ना हजारे का आंदोलन भी देखा है, उसका हश्र भी देखा है, आज तक लोकपाल बिल नहीं बना, तो क्या किसान आंदोलन का हश्र भी ऐसा ही तो नहीं होने वाला? नहीं, हम तो आंदोलन कर रहे हैं, चला रहे आंदोलन पूर्ण रूप से, और हमारा ये है कि जब तक ये कानून वापसी नहीं होते, एमएसपी पे कानून नहीं बनता, तो देश का किसान हटेगा नहीं। मेघालय के राज्यपाल सत्य मलिक जी भी आपके समर्थन में उतरे, उन्होंने कुछ बात बोली किसान? कुछ बात बोल रही भाई, उनको उस पद पे है, उनको नहीं बोलना चाहिए, उनकी कुर्सी छीन लेंगे। कहीं ना कहीं ये दर्द है हमारे साथ में। हमने ये कहा कि बीजेपी के लोग हमारे साथ में है, बीजेपी के नेताओं को मुक्त करवाने का आंदोलन भी हमें करना पड़ेगा। आजादी की लड़ाई है, मजदूर की आजादी की लड़ाई है। आप देश के भ्रमण में निकले हैं, कितना समर्थन मिल रहा है आपको देश का? पूरी जनता का समर्थन है। 100 दिन से ज्यादा हो गए आप लोग के आंदोलन, और ये तो लंबा चलेगा। ये उम्मीद ये है कि नवंबर दिसंबर में जाकर भारत सरकार बातचीत करे। सरकार ने तो आपसे बातचीत करना ही बंद कर दिया, और हमने भी करना बंद कर दिया, कोई काम हमारा भी नहीं छूट गया। आज तक प्रधानमंत्री आप लोग से नहीं मिले बाकी? हाँ नहीं भाई, प्रधानमंत्री अगर किसी पार्टी के होते तो मिल जाते हैं। क्या था जब चुनाव हुए, सरकार बीजेपी की तो है नहीं ना, किसी ने कहा कि बीजेपी की सरकार है, वे कह रहे कि मोदी सरकार है, और मोदी सरकार कंपनी की सरकार है। अगर सरकार किसी पार्टी की होती तो बात कर लेती। क्या किसान मोर्चे को भारतीय न्याय प्रणाली पर भरोसा नहीं है, वो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं कह पा रही? अरे एक गोल पट्टा है भाई पॉलिटिकल, वो 2 साल पहले दिखा दो तो आदमी 2 साल बाद में उसी जाल में फंस गया। आपके आंदोलनों को लेके सरकार ने दोबारा कोरोना को लेके फिर बातें करी? हाँ तो बात चल रहा है, तो हम तो कोरोना काल पहले कोरोना के जो गाइडलाइंस है वो जेल में भी होगी, जेल में रहे हैं तो जेल में आदमी सीधा नहीं लेटता, ऐसे वो ऐसे लेटता है ऐसे, तो कोरोना उसका भी गाइडलाइंस, जेल के जो हमारे कैदी भाई हैं उनको भी फॉलो करें, तो ये हम तो कर ही लेंगे। जिस दिन कोरोना होगा तो हम उसकी डिस्टेंस बना लेंगे अपने धरने पे, धरना चलेगा, कोरोना काल में भी धरना चलेगा, उसकी गाइडलाइंस का पालन करेंगे हम, लेकिन वो जेल में भी लागू होगा। 100 से ज़्यादा किसान इस आंदोलन में अभी तक शहीद हो गए, 300 के आसपास। उनके लिए क्या कहना है? उनके लिए कहना चाहिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार सरकार है, और जब इतिहास लिखा जाएगा कि किस राजा का कार्यकाल था उसमें लिखा जाएगा, हिस्ट्री में उसका एक शहीद स्मारक बनेगा वहाँ पे, उसमें सब लोग के नाम लिखे जाएंगे शहीदों के। बॉर्डर पर पक्के मकान बनाए जा रहे हैं? पक्के मकान तैयारी है, पक्के मकान, क्योंकि कच्चे मकान अब पता नहीं एक साल आंदोलन चला, पक्के ही बना लो। कहीं ना कहीं जनता के लिए? ना जनता के लिए तो नहीं, वहाँ बिल्कुल ठीक है, हमने जो जनवरी से पहले रास्ते खुले हुए थे, हमने सरकार को कहा कि जनता को वे रास्ते खोल देने चाहिए, और अगर सरकार नहीं खोली तो जनता को उन रास्तों को तोड़ने चाहिए, हमने खाली कर रखे जहाँ को पहले चलते थे खाली कर रखे। हमने कहा ट्रैक्टर संसद तक ट्रैक्टर जाएगा भाई, हमारा ट्रैक्टर क्या, ट्रैक्टर देश में बैन है क्या? मार्च नहीं करेंगे अब संसद पे, संसद पे नई मंडी खुली है, प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी के बाहर अपना माल किसान बेच सकता है, तो पार्लियामेंट पे हमने तय कर लिया कि पार्लियामेंट पे बढ़िया मंडी है, वहीं व्यापारी बैठता है, अंदर ही वो भाव तय करता है, उसके बाहर ही बिकेगा, एक उसका काउंटर खुल जाएगा, उसका अडानी का काउंटर खुल जाएगा, वहां से तोलता रहेगा, ले जाता रहेगा। 26 जनवरी की लाल किले पर हुई घटना से क्या किसान आंदोलन को झटका लगा है? ना ना, वहाँ पे क्या हुआ, अगर किसी एक आदमी ने खाली पोल पे एक अपना धार्मिक झंडा लगा दिया, उस पर क्या धाराएं बनती है, वो अपना काम कर ले, उस पर जो धारा लगती है वो लगा दे, बिल से उसका क्या मतलब है? एक न्यूज चैनल में समाचार दिखाया जा रहा था कि आपके आंदोलन की वजह से जहाँ जहाँ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं आसपास की जो फैक्ट्रीज हैं उनका काम ठप हो रहा है। ना फैक्ट्री पे क्या, हमने ताले लगा रखे किसी को नहीं, माल लाने ले जाने में उनको असुविधा हो ना, चल रहे वहाँ पर रास्ते खुले हुए।
मैसेज है, ठीक है? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और मैसेज तो ये है कि मीडिया के लोगों के पे अगला जो बिल आना है वो मीडिया पर आना, सेंसर बोर्ड बनाएगा, एक का खबरें उनके लोग बटेंगे, क्या खबरें जानी है वो भी लोग बताएंगे। कलम और कैमरे पे बंदूक का पहरा है, ठीक है? तो ये है कि सब लोग अपना काम करते हैं, ये देश की दूसरी आजादी की लड़ाई है, इसमें सब लोग सहयोग दे, नहीं तो पूरा देश बिक जाएगा, नौजवान सोता रहेगा और देश बिक जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। देश बिक गया, भूख पे व्यापार, भूख पे व्यापार करने वाली कंपनियां आ गई, ये भूख कितनी लगेगी उसके आधार पर देश में रोटी की कीमत तय होगी। तो रोटी की लड़ाई है, रोटी को तिजोरी की वस्तु नहीं बनने देना, भूख पे दुनिया पे व्यापार नहीं होगा, ये लड़ाई है। आपकी खिलाफत प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से है या पूरी भाजपा सरकार से? ना, हमारी भाजपा सरकार से कहाँ है, हमारी तो भारत सरकार से, उसकी पॉलिसी से है हमारा। यह मानते कब तक आप लोग का यह आंदोलन हो जाएगा या आजादी मिल जाएगा? क्या बता कितने दिन लगे देश को आजादी में? 90 वर्ष लगे, हो सकता है कि इस पर डिबो कुर्बानी देनी पड़े। ठीक सर जी, आपने 25 दिन पहले किसानों को मध्य प्रदेश में आए, आज दूसरा दिन यहाँ पे भाई साहब के यहाँ आए कटनी में, वहाँ पे मीटिंग है अभी शिवरा जी जबलपुर, और मुद्दा हमारा ये है कि अभी जो लेटेस्ट जो इशू आ रहा है, जो दिल्ली में धरना चल रहा है, वो चल रहा है 3 बिल वापसी हो और MSP पे कानून बनाए। सरकार ये कह रही कि MSP थी है रहेगी, तो उसका 10 दिन में पता चल जाएगा।